देश के कुछ आंकड़े बहुत चिंता करने वाली आंकड़े आ रहे हैं कि आज जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है, अब वो किसान खेती बाड़ी छोड़कर के मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब किसान खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, अनाज उगाना छोड़ देगा, तो देश का जनमानस जिंदा कैसे रहेगा? आखिर जिंदा रहने के लिए तो अनाज का ही जरूरत सहारा लेना पड़ता है, चाहे आप उगा के लीजिए, चाहे आप खरीद के लाइए। कहीं ना कहीं हमारे किसानों के प्रति जो नीति निर्धारण हो रहे थे वो किसानों के हित में नहीं रहा, और यही वजह है कि आज किसान मजदूरी के राह पर चल पड़ा। आज किसानों को पुनः अपने खेतों से जोड़ने का सरकार ने संकल्प लिया है, और इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य में चला रखा है, दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने राज्य में चला रखा है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने चला रखा है। ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक तंगी है, जो पैसे का अभाव है घर घर में, और पैसे के अभाव से सारी चीजें जो जुड़ी हुई है ठप हो गई। पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पैसे के अभाव में इनको पौष्टिक अनाज नहीं मिलता, पैसे के अभाव में ये बेहतर इलाज नहीं करा पाते, और पैसे के अभाव में अनेकों ऐसी समस्या जो आज इनके घर में जो समस्या कुंडली मार के बैठा है उसे अब हम लोगों को धक्का मार के उस घर से बाहर निकालने का संकल्प लेने की आवश्यकता। आज जेएसएलपीएस महिलाओं को यहां से आर्थिक मदद दी गई, आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कई और योजनाएं दी जा रही है, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से बागवानी की योजना बच्चे ले रहे हैं, नौजवान ले रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए पंप सेट मशीन लिया जा रहा है, कई ऐसी चीजें। तीन साल सरकार के हो गए, अभी हम नए साल में प्रवेश किए हैं, चौथे साल में, तीसरे दो साल तो कोरोना का समस्या से हम लोग ग्रसित रहे, और जो ये साल बीतेगा, इस साल में सरकार ने यह संकल्प लिया है, ये साल हर योजनाओं का धरातल पर क्या स्थिति है, इसका इंप्लीमेंटेशन का क्या स्थिति है, इस पर काम करेंगे। पूर्व में 20 सालों में जो कागजों में योजना बनती थी और कागज में ही दम तोड़ देता था, अब ये ऐसा नहीं होगा। जिनके लिए योजना बना है वो योजना उसके घर के दरवाजे तक जाएगा, यह सरकार का संकल्प। और यही वजह है, आप सब लोगों को मालूम है, पंचायत पंचायत हम शिविर लगा लगा करके हम अपने ग्रामीणों को जगाने का हमने प्रयास किया कि आप लोग हाथ बढ़ाओ,
और अपने अधिकार लेके जाओ। पहले पता ही नहीं चलता था कि क्या सरकार कर रही है नहीं कर रही है। कई चुनौतियों के बीच आज इस राज्य में जो बरसों से पिछड़ापन का एक अभिशाप है उसको दूर करने का संकल्प लिया गया है और बड़ी तेजी से इस दिशा में काम भी हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ हम लोग काम में लगे हैं कोई भी पेड़ तुरंत लगाने से तुरंत फल नहीं देता। 20 वर्षों में जिन लोगों ने इस राज को दिशा दिया, जिस राज को एक राह पे ले जाने का काम किया, नतीजा आप देख रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हालात में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी, गरीबी, पिछड़ापन, सभी समस्याएं खड़ी, लेकिन आज सरकार एक एक करके योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज हमारी बच्चियां जिनके लिए हम सावित्री बाई फुले योजना लाए हैं, इस जिले में 25,000 बच्चियों को चिन्हित किया गया है। 25,000 में 20,000 बच्चियों को अभी हम 29 तारीख को जो इस साल का तीसरा ये स्थापना दिवस था, एक बटन दबा करके पूरे राज्य में बच्चियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया। और जब हम ऑनलाइन पैसा को जाते देख रहे थे तो बहुत खुशी की अनुभूति हो रही थी। जैसे पेट्रोल पंप में तेल डालते हैं तो मीटर कैसे भागता है, वैसे ही पैसा भाग रहा था। खटखट 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 खटखट, सब एक सेकंड के अंदर पूरे राज्य में लाखों बच्चियों के खाते में पैसा चला गया और हम सभी जिलों में ऑनलाइन जुड़े हुए भी थे। और बच्चियां जिनको हमने उनके खाते में पैसे भेजे, उस बच्ची को भी नहीं पता था कि उसके खाते में पैसे जा चुके हैं और हम उससे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे किसानों को राज्य में सूखा की स्थिति को देखकर 250 से अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखाग्रस्त घोषित किया। लाखों किसानों को हम लोगों ने उस दिन डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए प्रति किसान अग्रिम राहत देने का काम किया। और अभी जो हम लोगों का स्थापना दिवस 29 तारीख को मना, एक बटन दबा करके दो बार हम बटन दबाए और उस दो बार में 900 से अधिक करोड़ रुपया का पैसा इस राज्य के ग्रामीण और बच्चियों के खाते में चला गया, किसानों के खाते में चला गया दो बटन दबाने से। और आज जो बच्चियों को अब हम लोगों ने सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना से हम लोगों ने जोड़ा है, हम उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। अभी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कल कॉलेज में पढ़ने के लिए, चाहे इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए, कोई भी चीज पढ़ाई करने के लिए अगर आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा वो पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये कानून हम बना के जा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।